एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज गाइस मेरे पास फिर से एक बहुत ही स्पेशल चीज है करने के लिए। तो 2 महीने पहले तुम लोगों को याद होगा कि मेरे को इच्छा हुआ था कि मैं एक असली स्टीयरिंग व्हील से हेवी ड्राइवर बनके रेसिंग गाड़ी चलाऊं। तो मैंने रेसिंग गेम खेलने के लिए एक रियल वाला स्टीयरिंग व्हील ऑर्डर कर दिया और उससे मैंने बहुत सारे रेसिंग गेम खेले। और गाइस मेरी मम्मी को अभी तक लगता है वो रेसिंग व्हील 1000 रुपए का है। मम्मी को अगर मालूम पड़ गया वो 1000 रुपए का नहीं है, बहुत मार पड़ेगी और घर से बाहर निकल देगी वो अलग। को पता नहीं करनी मम्मी को, ठीक है चुप। सो रियल रेसिंग व्हील के साथ रेसिंग गेम खेलने के बाद मेरे को नया शौक हुआ है कि मेरे को ना अभी प्लेन उड़ाने का है। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ अपना पेपर का प्लेन बन चुका है। ओ ये प्लेन को हम लोग उड़ाएंगे। अबे यार घर पे मजा नहीं आया, इसको बाहर ले जाके उड़ाना पड़ेगा। पर एनीवे गाइस, पेपर के प्लेन को ना साइड में रखते और आते अपने मेन चीज पर। तो मुझे आज प्लेन उड़ाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है और इसीलिए मैंने प्लेन उड़ाने के लिए ऑर्डर किया है ये। रुको दिखाता हूँ उठा के, रुको हाथ एक ही चेयर, कैमरा भी पकड़ने का है। ये मैंने ऑर्डर किया है, ये मैंने ऑर्डर किया है एक एक्चुअल फ्लाइंग सिम्युलेटर के कंट्रोल्स। मतलब तुमको एक डंडा दिख रहा है और तुमको ये दिख रहा है, ये कंट्रोल एक्चुअली प्लेन के अंदर होता है और इस कंट्रोल्स को मैं आज मेरे बीसनी में लगाने वाला हूँ और मैं उड़ाने वाला हूँ प्लेन। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले इसका अपन अनबॉक्सिंग कर ले जो अपने को फिर से एक हाथ से करना है। तो ये है थ्रस्ट मास्टर का TCA ऑफिसर पैक। और इस डब्बे के अंदर क्या है, इस डब्बे के अंदर एक और डब्बा है। तो ये डब्बे को आई थिंक ऐसे बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। निकल जा। ओ नाइस। ऑलराइट गाइस, अभी इसको खोल के अपने को इसके अंदर से माल बाहर निकाल लेगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर का ये कवर ऐसा बाहर निकल जाएगा और इसको निकालने के बाद अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें दिख रहा है ये चीज। और ये चीज क्या है, ये चीज आई गेस प्लेन का स्पीड बढ़ाने कम करने में काम आता है। आई थिंक सो, हाँ मैंने मूवीज में देखा उन लोग करते हैं सो। रेडी फॉर टेक ऑफ कैप्टन। सॉरी, प्लेन ऐसा आवाज नहीं करता, मैं भूल गया था, सॉरी। और उसके बाद हमारे बक्से के अंदर है ये क्या चीज है, ये चीज ऐसा क्यों है, ये इसका शेप मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक स्टैंड है और उसके ऊपर एक डंडा है, ये डंडे को ऐसा पकड़ देगा और प्लेन को ऐसा ऐसा करके उड़ा देगा। ओ यस। तो गाइस स्टीयरिंग व्हील के साथ मेरे को मिला था एक स्टीयरिंग व्हील और मेरे को मिला था वो पेडल, और फ्लाइट सिम्युलेटर के साथ मेरे को मिला है ये और ये। तो अभी जल्दी चल के दोनों चीज को पीसी पे लगाते हैं, शुरू करते हैं फ्लाइट सिम्युलेटर का गेम और आज थोड़ा सा प्लेन उड़ाते हैं। और गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं फ्लाइट सिम्युलेटर के अंदर और मैंने मेरे दोनों के दोनों कंट्रोलर्स फ्लाइट के यहाँ पर लगा दिए। ये मेरा स्टिक है जो स्टिक से अपन प्लेन को कंट्रोल करेंगे ऐसा, और ये जो है ये अपना प्लेन का स्पीड डिसाइड करेगा। इससे अपन लोग ना प्लेन का स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब प्लेन को अगर स्पीड में भगाने का है तो ऐसा करने का, कम स्पीड में भगाने का है तो ऐसा करने का। सिंपल है गाइस, प्लेन उड़ाना बहुत सिंपल है। पता नहीं यार लोग इतना फ्लाइंग स्कूल वूल क्यों आते हैं, प्लेन उड़ाना बहुत सिंपल है, ठीक है। आओ गाइस तुमको दिखा दो प्लेन उड़ाना कितना सिंपल है। तो आज हम लोग खेल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर और इसके अंदर एक्चुअली पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। मतलब मुझे जहां से प्लेन उड़ाना है मैं वहां से प्लेन को उड़ा सकता हूँ। मुझे यार न्यूयॉर्क सिटी से प्लेन उड़ा के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखना है, मैं वो कर सकता हूँ। मुझे पेरिस में प्लेन उड़ा के आईफिल टावर देखना है, मैं वो कर सकता हूँ। मैं लंदन में प्लेन उड़ा सकता हूँ। मैं इंडिया में कहीं भी प्लेन उड़ा सकता हूँ। मैं इंडिया में प्लेन उड़ा के ताजमहल देख सकता हूँ। मैं इंडिया में मुंबई से एक्चुअली पुणे तक फ्लाइट उड़ा के जा सकता हूँ। और इस गेम के अंदर उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम रियल लाइफ में लगता है। मतलब अगर मैं मुंबई से फ्लाइट उड़ा के दिल्ली लेकर जाऊँ, जिसमें जाने को आई थिंक एक्चुअल में 1 घंटा 40 मिनट लगता है, तो गेम के अंदर भी एक्चुअली उतना ही टाइम लगेगा। तो ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम लोग चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट में, सेट एज डिपार्चर। मुंबई एयरपोर्ट से प्लेन उड़ाएंगे और हम लोग उड़ाने वाले हैं A320neo। उपाय यहाँ पे फाइटर जेट भी है, पर रुको, फाइटर जेट बाद में आएंगे। पहले अपने को उड़ाने का एक नॉर्मल सा पैसेंजर प्लेन और इसको अपन उड़ाएंगे मुंबई एयरपोर्ट से। तुम लोग बस देखो आज मेरा फ्लाइंग कितना खतरनाक है, मैं कितना खतरनाक पायलट हूँ। ओके, थैंक यू, कंट्रोल रूम, थैंक यू, कंट्रोल टावर, दिस इज लेंडी एयरवेज फ्लाइट 6969, वी आर रेडी टू टेकिंग ऑफ फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट, वी आर गोइंग टू मालूम नहीं जिधर बन के चले जाएगा। यस रेडी टू टेक ऑफ, यस रेडी टू फ्लाई,
ओ गाइस, तुम लोग को ना मेरे को एक इम्पोर्टेंट सूचना देने का है। मेरा जो ये चैनल है ना, ये चैनल 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। मतलब जो डायमंड प्ले बटन है ना, मतलब ऐसा मेरे हाथ के ऊपर ही उड़ रहा है, बस एनी टाइम गिर जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि डायमंड प्ले बटन मेरे हाथ में गिरे, नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उस पे सब लोग अपना हाथ गिराओ और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। #RockNee to 10 million। और अगर तुमको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक और रखते हैं 50,000 लाइक्स का। हो ये गाइस, अब प्लेन के अंदर आ चुके, अपना प्लेन रनवे के ऊपर खड़ा भी है और इस प्लेन के अंदर एक्चुअली ये सेम डंडी है, तो अगर मैं इस डंडी को ऐसा हिलाऊंगा तो प्लेन के अंदर भी हिलेगा। नाइस। क्या आपको दिख रहा है गाइस ये चीज? ओए गोटे, दोनों साथ में आ रहा है ना? हाँ। देखो देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, डंडी को लेफ्ट में किया प्लेन के अंदर लेफ्ट, डंडी को राइट में किया प्लेन के अंदर राइट। भाई क्या मस्त चीज है, पीछे क्या प्लेन के अंदर पीछे, खतरनाक। और अगर इस चीज को अपन आगे करते, ये देखो इधर देखो, इधर देखो, इसको देखो, ये जो चीज है ना, ये मेरे पास यहाँ पर है, और अगर मैं इसको ऐसा ऐसा आगे करूं, ओ भाई प्लेन आगे जा रहा है, प्लेन आगे ही नहीं जा रहा। अबे चलना आगे, अबे क्या प्रॉब्लम है भाई, नकली प्लेन दिया है क्या मेरे को? अबे ये तो मैं कर रहा हूं, आगे ही नहीं जा रहा प्लेन। अबे नकली प्लेन दे दिया मेरे को गाइस। ओ एक सेकेंड, पार्किंग ब्रेक एंगे। अबे प्लेन में हैंड ब्रेक कौन लगाया? अबे यार प्लेन में हैंड ब्रेक लगाया। अबे हैंड ब्रेक किधर आता है प्लेन का? प्लेन का हैंड ब्रेक, ये क्या हैंड ब्रेक? अबे पायलट लोग डंडा रखते हैं उनके पास। भाई पायलट डंडा रखा है, मतलब किसी की पिटाई करते हो कि डंडा लेके उतर ही मारेगा साले को। ओके गाइस, हैंड ब्रेक किधर है प्लेन का? हैंड ब्रेक किधर आता है? हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक, ओ ये रहा पार्क ब्रेक, आई थिंक यही है, आई थिंक सो। अपन ने इसको बंद कर लिया। ओके गाइस, तो अपन ने हैंड ब्रेक को बंद कर लिया। अभी अगर मैं इसको आगे करूं, यस प्लेन आगे जा रहा है, पर नहीं, रुको रुको रुको, प्लेन को अपने को भी आगे लेके नहीं आ, रुको रुको, ओए रुक जा प्लेन, हैंड ब्रेक लगा, फिर से हैंड ब्रेक खींचो। हाँ रुक जा प्लेन, हैंड ब्रेक खींच दिया। हाँ रुक जा रुक जा। भाई प्लेन के अंदर ना बहुत सारे बटन होते हैं, ठीक है, मेरे को बचपन से प्लेन के अंदर के बटन देख के बहुत मजा आता है, और आज मेरे को प्लेन के अंदर के सारे बटन ट्राई करने। जैसे कि इधर अहिला, इधर पूरा कीबोर्ड है भाई, ये कीबोर्ड से अपन माइनक्राफ्ट खेलेंगे। अरे इधर नंबर लिख सकता हूँ। अबे ये नंबर क्यों लिखने का जगह है? ओ अच्छा समझा, मतलब अगर प्लेन उड़ाते उड़ाते तुम्हें किसी का नंबर लिखना है तुम लिख सकते हो। देखो 9632558877441009। भाई किसी का नंबर दिए कॉल मत करना, ये मेरा फोन नंबर भी नहीं है। और मैं यहाँ से फोन लगा सकता हूँ क्या? अभी अभी क्या मस्त है ये देखो। अबे यार इसमें विंडोज डालो यार, क्या है मजा नहीं आ रहा इसमें। ओके गाइस, यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स है एसी वाले। अच्छा इसका ब्राइटनेस कंट्रोल होता है। अभी वो साइड भी एक और कीबोर्ड है, ये क्या है? ये कॉल बटन है। अच्छा यहाँ पे नंबर डालने का, इससे फोन लगाने का, अब भी समझा। भाई प्लेन के अंदर पूरा फोन वोन लगा के दिया है। ये क्या है? आरएमपी मास्टर स्विच, पता नहीं, इसको ऑन करेंगे। अच्छा लाइट लाइट जल रहा है, अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली ना प्लेन के ना ऊपर होते बहुत सारे कंट्रोल्स। ओ ये भाई ऊपर कितने कंट्रोल्स है देखो भाई, कुछ ज्यादा बटन नहीं है। फायर पुश, मतलब इससे प्लेन में आग लग जाएगा, तो मेरे को पुश ही नहीं करने का है। इधर क्या है? इधर है स्ट्रोब लाइट्स। भाई प्लेन के अंदर डिस्को वाले स्ट्रोब लाइट्स लगा के दिए, मतलब इसको ऑफ करो भाई, प्लेन नॉर्मल मोड पे ऐसा ऑफ कर देगा नॉर्मल मोड पे, और जैसे ही गाइस तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे प्लेन के अंदर पार्टी चालू हो जाए, सीधा इधर आने का, स्ट्रोब लाइट्स चालू और तुम्हारे प्लेन पे पार्टी चालू। सॉरी गंदा जोक मारा मैं, सॉरी होता है कभी कभी। और यहाँ पे क्या है? लैंडिंग लाइट्स है, ये ऑन चाहिए लैंडिंग लाइट, सब लाइट्स ऑन चाहिए, टैक्सी का लाइट भी अपने को ऑन चाहिए। और क्या बटन है भाई? यहाँ पे सीट बेल्ट का बटन है, यहाँ पे नो स्मोकिंग का बटन है। अरे बाप रे। ओ गाइस, डू यू अंडरस्टैंड मेरे पास कितना शक्ति है? मैं इस प्लेन को धूम्रपान प्लेन बना सकता हूँ। पैसेंजर्स कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी का स्वागत है लेंडी एयरवेज के सबसे पहले फ्लाइट में, लेंडी एयरवेज फ्लाइट 6969 में। हम है आपके कैप्टन, कैप्टन लेंडी चोर, और हमारे को कैप्टन है गोटिया, जो हमारे साथ यहाँ पर थोड़ा लेट है। गोटिया आ जाएगा थोड़ा टाइम में, टेंशन मत लीजिए। गोटिया वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, एक्चुअली मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, गोटिया वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, और हम
आज आपको इस विमान में हम आपको उड़ाकर सैर करवाएंगे मुंबई की, आपको उड़ाकर लेकर जाएंगे। ये प्लेन में धूम्रपान का साइन अभी ऑन कर दिया गया है, पर ये लेडी एयरवेज है, यहाँ पे आप धूम्रपान कर सकते हो, लेडी पान सब पान कर सकते हो, जो पान करना करो, हमने ऑफ कर दिया है। सीट बेल्ट भी मैंने ऑफ कर दिया है, तुमको सीट बेल्ट लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, बाहर में जाओ गू खा लो, तुमको भागना है तो सीट पे हक दो, तुमको जो करना है करो। आशा करते हैं आपकी ये फ्लाइट सुखद हो, आप बहुत एंजॉय करें इस लेडी एयरवेज के पहले फ्लाइट में। तो चलिए देवियों सज्जनों, अभी अपन टेक ऑफ करने वाले, कृपया कुर्सी पे बैठ जाए, नहीं बैठना है तो मत बैठे, बाहर में जाए। ऑलराइट, अभी अपन प्लेन को उड़ाने वाले, ये चालू कर दिया अपन ने, इसको ऐसा आगे, और गाइस प्लेन आगे जाना चालू हो गया, प्लेन लिटरली आगे जा रहा है। ओ यस, ओ भाई रुको, प्लेन आगे जा रहा है मैं। अच्छा अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो प्लेन आई थिंक ऊपर जाएगा, मतलब GTA में ऐसे ही होता है, इधर मालूम नहीं। और आई थिंक सो प्लेन का इनफ स्पीड है, और इसको अपन जैसे ही खींचेंगे, ओह गाइस लिटरली प्लेन ऊपर जा रहा है, गाइस लिटरली प्लेन ऊपर जा रहा है, अबे कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है। ओ नहीं रुको रुको, अपने को चक्का अंदर, चक्का कैसे अंदर लेते हैं, चक्का लैंडिंग गियर, यस लैंडिंग गियर, चक्का अपन ने अंदर ले लिया प्लेन का। ओ भाई क्या उड़ रहा है अपना प्लेन, अरे नहीं रुको, अपने को अपन ऐसा क्यों जा रहे हैं, अपने को तुमको मुंबई दर्शन कराने का, रुको रुको प्लेन को थोड़ा नीचे लेके आता हूं। टावर टावर, दिस इज लेडी एयरवेज फ्लाइट 6969, प्लीज गू खा लो। अच्छा है ना, तो अभी अपन प्लेन को फुल टर्निंग मारेगा, मुझे पता तुम लोग कुछ दिख नहीं रहा है। ये भाई ये हुई ना बात, हम लोग धारावी देखेंगे, धारावी होते वो धारावी दिख रहा है, धारावी मेरे को जाके धारावी देखने का है। अरे गाइस अगर प्लेन को उड़ाते उड़ाते मैं अगर प्लेन को ऐसा करूं तो क्या आएगा, ओ भाई मस्त उड़ रहा है, अगर मैं प्लेन के चलते चलते प्लेन का इंजन ही बंद कर दूं तो, ओह शिट गाइस यहाँ पे एक्चुअली इंजन कम हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली इंजन कम हो रहा है। मैंने प्लेन का इंजन बंद कर दिया और प्लेन फिर भी उड़ रहा है, बिना इंजन के प्लेन उड़ रहा है गाइस, मैजिक गाइस मैजिक, बिना इंजन के प्लेन उड़ा रहे, बिना इंजन के, आपको प्लेन उड़ाने के लिए इंजन की जरूरत भी नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग प्लेन लेकर निकल चुके हैं, और एक्चुअली मुंबई एयरपोर्ट लेफ्ट में है, तो क्या मैं लैंडिंग करने का ट्राई कर सकता हूँ। आई थिंक लैंडिंग करने के लिए अपने को पहले ऐसा पूरा घूम के आना पड़ेगा। ओके अपने जी दबाने से अपना चक्का बाहर आता है। ओके गाइस हम लोग अभी लैंडिंग अटेम्प्ट करने वाले मुंबई एयरपोर्ट में। अरे काय का ओवर स्पीड गाइस, वैसे मुंबई में है क्या प्लेन उड़ के देखने के लिए। ओ वेट एक सेकंड, मेरे को एक आईडिया आया, आई थिंक हम लोग इस गेम के अंदर एक्चुअली चीजें देख सकते। और गाइस तो दो दिन पहले मैं एक नूबड़ा पायलट था, और पिछले दो दिन में मैं सीखा हूँ कि प्लेन को कैसे उड़ाते, और मैं बन चुका हूँ एक हैप्पी पायलट, फुल फ्लाइंग बीस्ट। तो गाइस एक्चुअली पिछला दो दिन मैंने पूरा यूट्यूब पे स्पेंड किया, और मैंने बहुत सारे घंटे फ्लाइट सिमुलेटर पे स्पेंड किया ये सीखने के लिए कि प्लेन को कैसे उड़ाते। और आज गाइस आई थिंक सो मेरे को डिसेंट सा प्लेन उड़ाने को आता है। सो ऑलराइट गाइस, आज हम लोग प्लेन को उड़ा रहे आगरा एयरपोर्ट से, क्योंकि आगरा एयरपोर्ट के जस्ट बाजू में है ताजमहल, तो मुझे तुम लोग को एक्चुअली प्लेन से ताजमहल दिखाना है, और ताजमहल दिखाने के बाद हम लोग इस प्लेन को लेकर जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट और लैंड करेंगे दिल्ली में, और होपफुली मेरे को लैंडिंग करना आता है, मैंने लैंडिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस किया, और लैंडिंग सबसे डिफिकल्ट काम है, मतलब अगर मैं पायलट बन गया मैं प्लेन को उड़ा तो लेगा पर प्लेन को लैंड नहीं कर पाऊंगा, मतलब कर पाऊंगा सीखा है मैंने गाइस, सीखा है मैं कर पाऊंगा। और गाइस सबसे पहले हमको क्या करना है, प्लेन को उड़ाने से पहले हमें प्लेन को बताना है कि हमें कहां जाना है। तो यहां पर तुमको दिख रहा है ये जो मोबाइल फोन है जिसको मुझे लगा था फोन लगाते, ये एक्चुअली मोबाइल नहीं है, ये एक्चुअली एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसमें तुम एंटर करते हो तुमको प्लेन को लेके कहां पे जाना है, जिससे प्लेन को पता होता है कि प्लेन को कहां जाना है और कहां पे जाके लैंडिंग करनी है। अब यहां पे ना अपने को डालना होता है फ्लाइट प्लान, आई थिंक सो यही है फ्लाइट प्लान, और इसके बाद अपने को डालना है दिल्ली का कोड, जो कोड मेरे को ढूंढना पड़ेगा, दिल्ली एयरपोर्ट कोड, हर एयरपोर्ट का एक कोड होता है, तुमको लग रहा है दिल्ली का सिंपल होगा DEL, बॉम्बे का है BOM, बट नहीं बॉम्बे का है VABB, तो दिल्ली का क्या है, दिल्ली का क्या कोड है भाई, दिल्ली क्या बोलते मुझे पता नहीं उस चीज को।
यस, इसको कहते हैं ICAO कोड, और दिल्ली का कोड है VIDP, तो हमें यहाँ पे लिखना है VIDP, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और हमने VIDP लिख दिया। इसको हमें क्लिक करना है डेस्टिनेशन पर, साला क्लिक ही नहीं हो रहा है। कैसा करने का रहता है, शिट मैं भूल गया कैसा करने का। छोड़ो गाइस, भाड़ में गया, मेरे को प्लेन को बताने का नहीं मैं किधर जा रहा हूँ, मैं सीक्रेटली प्लेन को सुमड़ी में लेके भाग जाएगा, मेरे को बताने का ही नहीं कहा जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हैंड ब्रेक को निकालते हैं और प्लेन को पहले उड़ा के आगरा से बाहर लेके चलते हैं। पहले हमें प्लेन को आगरा एयरपोर्ट से बाहर निकालना है, फिर मैं तुम लोग को दिखाऊंगा ताजमहल। अब मुझे पता नहीं ताजमहल कहाँ पर है, आई थिंक मेरे पास यहाँ पर एक मैप है एंड आई थिंक सो कि ताजमहल ना नदी के पास कहीं तो है, तो मेरे को प्लेन को उड़ा के सीधा लेकर जाना है ताजमहल के पास। ऑलराइट गाइस, अपना प्लेन 140 के स्पीड में, यहाँ पे जो स्पीड आ रहा है 140, इसमें अपना प्लेन उड़ने को तैयार है। अभी इसको अपन स्टिक को पीछे खींचेंगे और अपना प्लेन उड़ गया। प्लेन के उड़ने के बाद हमें यहाँ पर से लैंडिंग गियर को ऊपर कर देना है, और आई थिंक अपने को यहाँ कहीं तो दिखता है लैंडिंग गियर ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं तो दिखता है, पता नहीं मैं भूल गया कहाँ तो दिखता है, पर हम ऐसा देखेंगे। ओके, अपना लैंडिंग गियर ऊपर आ चुका है, अपना प्लेन भाई क्या टेक ऑफ किया है, और गाइस वो रहा ताजमहल राइट में, वो तुमको दिख रहा है कोबरे में नीचे से दिख रहा है ताजमहल वो रहा। ओके, मैं प्लेन को थोड़ा स्लो कर लेता हूँ ताकि अपन ताजमहल के पास से आराम से जा सके। मैंने इंजन स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर लिया है, और ये हम लोग ताजमहल के पास आते हुए। ओ भाई गाइस देखो ताजमहल कितना रियलिस्टिक बना इन लोगों ने, इस गेम के अंदर इन लोगों ने जितने भी सारे मॉन्यूमेंट्स है सब कुछ डाला है, मतलब इन्होंने आईफिल टावर डाला है, ताजमहल डाला है, आई डोंट नो और क्या क्या डाला। मैंने आईफिल टावर देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, आई थिंक इसमें सब कुछ है। ओ भाई वो रहा ताजमहल, मतलब अगर तुम ताजमहल ऐसे प्लेन से देखो तुमको ऐसा ताजमहल दिखेगा। ओ भाई क्या मस्त दिख रहा है। ओके गाइस, हमने ताजमहल देख लिया, अभी हमें प्लेन को ऊपर लेके जाना है क्योंकि प्लेन का हमारा ऑल्टीट्यूड बहुत नीचे है, प्लेन इतना नीचे नहीं उड़ना चाहिए, प्लेन को भी ऊपर लेके जाना है, और अभी हम लोग प्लेन को लेकर उड़ाएंगे दिल्ली तक। एंड आई थिंक सो दिल्ली कहाँ पर है मेरे को नहीं पता। आई थिंक दिल्ली जाने के लिए पहले अपने को यू टर्न मारना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले अपने को यू टर्न मारना है दिल्ली जाने के लिए। भाई पहले यू टर्न मार ले, एक्चुअली पहले प्लेन का हम लोग हाइट बढ़ा ले, हमारा प्लेन अभी तक बहुत नीचे है। ओ शिट, इतना गंदा नहीं करना है, पैसेंजर लोग मर जाएंगे अंदर। ओके, प्लेन को फुल टर्न मारेंगे, और एक्चुअली अपने को प्लेन का स्पीड बढ़ाने का, अपने अपना इंजन स्पीड को बहुत कम करके रखा था, भूल गया मैं। नया पायलट है गाइस, टेंशन देने का नहीं, सस्ते प्लेन में ऐसे ही होता है। ओके, अभी अपने को इसको टर्न मारने का पूरा। यार मेरे को लेजिट नहीं पता दिल्ली किधर आता है, शिट, मतलब मेरे को पता है पर मेरे को मैप में दिल्ली नहीं दिख रहा है, ये मैंने मैप को लिटरली बहुत बड़ा कर लिया है और मेरे को यहां भी दिल्ली नहीं दिख रहा है। यार यहां तो नहीं, दिल्ली ज्यादा दूर तो है नहीं आगरा से, इतना मुझे पता है, मेरे को जितना पता है कि दिल्ली आई थिंक इधर ही सीधा कहीं तो आता है आगे। ओ एक काम करते ना, एक सेकेंड मैं ये सिखाऊं, ये देख रहे हो ये ऑटो पायलट है, मैं एक्चुअली सीखा था कि ऑटो पायलट काम कैसे करता है। ओके, एक काम करते हैं अपन ना, प्लेन का ना हाइट सेट करते ऑटो पायलट से। प्लेन ऑल्टीट्यूड, ओके ये हमने सेट कर लिया 20,000 फीट, हमको प्लेन उड़ाने के 20,000 फीट पे, और उसके बाद अपने को ऑटो पायलट ऑन करना है, और ऑटो पायलट ऑन करते ही कुछ तो हुआ। ओ शिट, अपने को हेडिंग सही करने का है, और ये रहा हेडिंग, मतलब कौन से डायरेक्शन में जाने का है, और ये तुमको ये मैप दिख रहा है छोटा वाला इधर, यहाँ देखो तुमको दिख रहा है ब्लू कलर का एक ऐसा ऊपर लाइन घूम रहा है, ये यहाँ पर हेडिंग से हमें इसको मैच करने कहाँ जाना है। आई थिंक मेरे को जाना है ये साइड में जाना है, एंड ऑन वेल डन। ओके, तो अगर अपन ने सब कुछ सही सही किया तो अभी हमने प्लेन में ऑटो पायलट लगा दिया है, और ये ऑटो पायलट प्लेन का हाइट सही रखेगा, प्लेन का डायरेक्शन सही रखेगा, और एक सेकेंड प्लेन का स्पीड रखना है स्पीड 320 बराबर है क्या, थोड़ा कम कर, इतना ज़्यादा स्पीड लग रहा है। हाँ देखो तुमको दिख रहा है ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है स्पीड,
तो अगर मैं प्लेन के स्पीड को थोड़ा सा कम कर दूं इतना 280 के आसपास, तो आई थिंक प्लेन अपने आप स्पीड को सेट कर लेगा। प्लेन 15,000 फीट पे आ चुका है। मैंने बोला है कि प्लेन को 21,000 फीट तक जाना है ऑटो पायलट के हिसाब से, तो प्लेन 21,000 फीट तक जाएगा। हेडिंग प्लेन का है कितना है हेडिंग प्लेन का? हेडिंग है 308 डिग्री। और अगर मैं इसको हिला दूं तो क्या प्लेन टर्न मारेगा? ओ शिट, प्लेन एक्चुअली टर्न मार रहा है। शिट अपने को इसको ऑलमोस्ट 308 डिग्री, नहीं अभी तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नहीं आई थिंक 308 डिग्री सही है, नहीं इतना सही है, आई थिंक 309 डिग्री, 309 डिग्री सही है। भाई मैं अभी तक कुछ भी नहीं गया हूँ, मैं अभी तक बस यहाँ से निकला हूँ। ओके सो अभी प्लेन तुमको दिख रहा है थोड़ा सा टिल्टेड, क्योंकि प्लेन अभी ये हेडिंग को मैच कर रहा है, मतलब प्लेन अपने डायरेक्शन में आ रहा है। हेडिंग से क्या करता है, प्लेन को कौन से डायरेक्शन में जाना है प्लेन डिसाइड करता है। अगर तुम चेंज करोगे प्लेन टर्न मारेगा ऐसा। स्पीड से प्लेन का स्पीड कंट्रोल होता है और ऑल्टीट्यूड से ऑफकोर्स प्लेन का ऑल्टीट्यूड कंट्रोल होता है। तो अगर मैंने ऑफकोर्स सब कुछ मैंने सही किया है तो प्लेन अभी 21,000 फीट पर आके रुक जाना चाहिए। प्लेन 20,000 फीट पर पहुंच चुका है, यहां भी दिख रहा है ऑल्टीट्यूड 20,300। ओ ये आई थिंक हमने सही किया है गाइस, हमने प्लेन पे लगा दिया ऑटो पायलट। अच्छा एक सेकंड भाई, अच्छा मेरे को ऑटो पायलट चलाने को आता है। रुको अपने को अनाउंसमेंट करने का है। सीट बेल्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, वेलकम टू लेडी एयरलाइंस, आई होप यू हैविंग अ गुड फ्लाइट। वी आर करेंटली फ्लाइंग टू न्यू दिल्ली एंड राइट नाउ योर पायलट की मम्मी कॉलिंग टू ड्रिंक टी। सो पायलट गोइंग टू ड्रिंक टी, यू एंजॉय योर फ्लाइट, लुक आउटसाइड, डू नॉट वरी, प्लेन ऑटो पायलट पे होती, प्लेन एकदम परफेक्ट जाती, तुम टेंशन नहीं लेती। योर कैप्टन जस्ट फटाफट टी पी के वापस आती, ठीक है? तुम लोग फ्लाइट को एंजॉय करती और ज्यादा परेशान नहीं करती एयर होस्टेस को, ठीक है? हम आती। मैं एक्चुअली चाय पीने जा रहा हूँ, मम्मी मेरे को चाय पीने बुला रही है, मैं लेजिट जा रहा हूँ चाय पीने। तुम लोग गाइस प्लेन से नजारे एंजॉय करो, मैं चाय पी के आता हूँ। ओह शिट, एक सेकेंड, ये काम कर गया। अरे क्या ओवर स्पीड, चुप कर, स्पीड कौन बढ़ा है? अभी मैं तो स्पीड कम करने बोला था। ओ एक सेकेंड गाइस, ये एक्चुअली काम कर गया। ये मेरे को अभी दिल्ली का रास्ता दिखा रहा है, ये मेरे को मैप में दिल्ली का रोड दिखा रहा है, आई मीन रोड नहीं मतलब वो क्या बोलते हैं, वो हवा दिखा रहा है, दिल्ली का हवा दिखा रहा है। रुको पहले दिल्ली का हवा मैच कर दे दो अपने को। ये जो अपना जो हेडिंग है, अपने को पहले हेडिंग को इस हेडिंग से मैच करने का है, जो आई थिंक सो हमने कर लिया है। थोड़ा सा अपने को चेंज करना है और ये हो गया, हमने दिल्ली तक की हेडिंग को मैच कर लिया है। और स्पीड थोड़ा सा ओवर स्पीड पे था, पर कोई टेंशन की बात नहीं, उसको सॉर्ट कर लिया मैंने। मेरा जो इंजन का जो मेरा ये कंट्रोल है, ये फुल हाई पे सेट था, उसने कम कर लिया। और अभी हम लोग टर्न मार रहे दिल्ली के लिए, भाई क्या टर्न मार रहे प्लेन। ऑलराइट गाइस, आई थिंक दिल्ली ज्यादा दूर है नहीं, और हम लोग इसलिए क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ना अपना ऑल्टीट्यूड कम कर लेंगे। हम लोग आ जाएंगे 13,000 फीट पे, जो आई थिंक सो कि प्लेन नीचे आना चालू हो गया है। ओके गाइस, आई थिंक सो दिल्ली जस्ट सामने ही है, प्लेन नीचे आना चालू हो गया है। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ चाय पीने, वरना मार खाऊंगा गाइस। मैं चाय पीते पीते आ गया 2 सेकंड के लिए कि ऑटो पायलट काम करता है और एक्चुअली काम करता है। जल्दी चाय पी के। ओ शिट, तुम लोग का मैप नहीं दिख रहा, ये लो मैप देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, योर कैप्टन इज बैक विथ चाय। कैप्टन चाय लेकर वापस आ चुका है और हम लोग अभी दिल्ली पहुंचने वाले, तो लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। ये दिल्ली एयरपोर्ट है। ओके, दिल्ली एयरपोर्ट दिख गया अपने को। ओके गाइस, अभी समय आ चुका है इस पूरे प्लेन जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, जो कि है लैंडिंग। एक ऐसी चीज जो करने से मेरी अभी तक फटती है, अभी तक नहीं मेरी फटती है। दिल्ली आने में टाइम है ना गाइस। ये गेम देखो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक दिख रही है, लिटरली क्या रियलिस्टिक गेम है ये। मतलब अगर तुम ये एरियाज में रहते हो तो ये जो नीचे का जो मैप है ना, ये एकदम एक्यूरेट है। ये जो पूरा मैप है, ये वर्ल्ड का एग्जैक्ट मैप है। मतलब अगर एक असली प्लेन को आगरा से दिल्ली उड़ के आना हो, उसको इतना ही टाइम लगेगा भाई। अरे बहुत ज्यादा कूल है। ऑलराइट, तो मैंने अभी मैप में देख लिया है कि दिल्ली का जो रनवे है वो थोड़ा सा ना ऐसा है। तो ऐसा रनवे में उतरने के लिए पहला अपने को जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे, फिर इधर से जाके ऐसा लेफ्ट टर्न मार के सीधा अपन जाएगा एयरपोर्ट पे। ओ वेट अ सेकंड, आई थिंक सो वो दिल्ली का एयरपोर्ट है।
गाइस आई थिंक ये एयरपोर्ट है। हाँ वो एयरपोर्ट है। ओ नहीं कि हाँ भाई ये बहुत कंफ्यूज हूँ कौन सा एयरपोर्ट है। हाँ आई थिंक सो वही दिल्ली का एयरपोर्ट है। ओके गाइस तो समय आ चुका है प्लेन को ऑटो पायलट से निकालने का और अभी प्लेन को तुम्हारा भाई उड़ाएगा। तो मैं सिखाया कि प्लेन में एक चीज होता है फ्लैप्स जिससे प्लेन का स्पीड कंट्रोल होता है पॉसिबली मेरे को पता नहीं शायद से मैं असली पायलट नहीं हूँ मुझे जितना भी आता है मैं यूट्यूब से सीखा हूँ। तो हम लोग प्लेन के पहले फ्लैप्स को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इससे प्लेन का स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा और एग्जैक्टली यस वो देखो प्लेन का स्पीड कम। अरे तुझे आईला ओवर स्पीड का स्पीड कम कर रहा हूँ मैं। ओके आई थिंक फ्लैप्स को नीचे किया तो वो थोड़ा सा रोने लग जाता है। तो अभी आई थिंक प्लेन को धीरे धीरे टर्न करने का समय आ चुका है और प्लेन को अपने को थोड़ा और नीचे लेके जाने का। अपन बहुत ऊपर है अपने को धीरे धीरे प्लेन को नीचे लेके जाने का है। ओ यस वो रहा एयरपोर्ट वही तो है एयरपोर्ट। ऑलराइट गाइस अपने को प्लेन को धीरे 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 नीचे लेके जाने का है और अपने को एग्जैक्ट रनवे को ध्यान में रखने का है। रनवे को ध्यान में रख के सीधा अपने को रनवे के अंदर घुसने का है। क्या हमें घुसने का नहीं रनवे में लैंड करने का। क्या बोल रहा हूँ मैं। सो काय को ओवर स्पीड दिख रहा है गाइस। आई थिंक अपन ना सीधा लेफ्ट मार के प्लेन को लैंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज अपन कुछ ज्यादा ही हाइट में है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा अपने को ना सीधा पहला आगे जाना पड़ेगा और पूरा अपने को ऐसा इधर से जाके घूम के ऐसा लैंडिंग करना पड़ेगा। ओके गाइस कोई टेंशन की बात नहीं अपन वो भी कर लेंगे। हम प्रोफेशनल पायलट से गाइस क्योंकि अपना प्लेन अभी तक बहुत हाइट में इतने हाइट में प्लेन को उतारना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अपन धीरे धीरे प्लेन के हाइट को धीरे धीरे नीचे लेते हुए आएंगे चाय पीते पीते आराम से। ओके अरे सीट बेल्ट साइन ऑन किया क्या मैंने। हाँ सीट बेल्ट साइन ऑन है। लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग प्लीज बांधिंग योर कुर्सी का पेटी बिकॉज प्लेन इज अबाउट टू लैंडिंग एंड व्हेन प्लेन लैंडिंग इफ यू नो बांधिंग यू भुड़ 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 होइंग। सो प्लीज कुर्सी की पेटी बांधिंग प्लेन अबाउट टू लैंडिंग मिलिंग यू आफ्टर लैंडिंग। ओ शिट मेरे को लग रहा है इनफ जगह था अपन आराम से ना लैंड कर सकते थे यहाँ पर बट कोई बात नहीं गाइस अभी डिसाइड कर लिया तो वही करना पड़ेगा। अबे यार एक सेकेंड प्लेन में टर्बुलेंस तो हुआ ही नहीं भाई पैसेंजर लोग को मजा थोड़ी जाएगा इस प्लेन में। ओह लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग वी आर अबाउट टू एक्सपीरियंस सम टर्बुलेंस सो प्लीज सिट इन योर सीट्स डोंट गो टू संडास और एल्स लैंडी विल कम आउट ऑफ संडास एंड गो इनसाइड योर माउथ तो प्लीज सिट इन साइड योर सीट्स वी आर अबाउट टू एक्सपीरियंस सम टर्बुलेंस। ओके थोड़ा टर्बुलेंस खुद ही करने का बहुत जास्ती टर्बुलेंस है। और भाई क्या हवा है ओइला गुड बहुत बहुत टर्बुलेंस बहुत टर्बुलेंस बहुत टर्बुलेंस। चलो हो गया ज्यादा टर्बुलेंस हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग टर्बुलेंस इज नाउ फिनिश यू कैन गो टू संडास थैंक यू। मैं जब एक्चुअली प्लेन में गया हूँ ना मैंने ऐसे बहुत लोगों को नोटिस किया है ऐसा पायलट बोल रहा है कि अभी टर्बुलेंस होने वाला है उनको फिर भी हगने जा रहा है मुंह तो नहीं जा रहा है। अबे भाई लैंडी उड़ के आएगा सुसु करोगे सुसु ऐसा जैसा ऐसा उड़ के तुम्हारे मुंह पे आएगा येड़े हो क्या। ऑलराइट गाइस अभी अपने को टर्न मारना है लैंडिंग के लिए। सो फार गाइस आई थिंक अपन ने बहुत ही खतरनाक प्लेन उड़ाला है। अपना प्लेन बहुत ही मस्त उड़ रहा है अभी सिर्फ लैंडिंग का दे रहे हैं। अगर हमने सही से लैंडिंग कर दिया तो भाई हमने बहुत ही खतरनाक प्लेन उड़ा दिया रहेगा। ऑलराइट गाइस अभी टर्न मारने का टाइम आ चुका है अभी अपने को यहाँ से पूरा एक यू टर्न मारने का है प्लेन को लेकर फुल यू टर्न मार के अपने को आना है दिल्ली एयरपोर्ट पर और लैंड करनी है प्लेन को। तो ये हमारी प्लेन टर्न मारते हुए तुमको साइड में मैप में दिख रहा है कि प्लेन टर्न मार रहा है और हमारा रनवे यहाँ पर है हमको इस रनवे पर उतरना है। तो होपफुली अपनी प्लेन टाइम पे टर्न हो जाएगी और नीचे यहाँ पर द्वारका है जो आई थिंक दिल्ली में आता है ऑफकोर्स दिल्ली में आता है दिल्ली के ऊपर ही हम लोग हैं। तो अगर कोई द्वारका में रहता है तो हेलो जो भी इधर रहता है भाई कितने लोग रहते हैं कितने घर है साला इधर थोड़े ज्यादा घर नहीं हो गए। ऑलराइट थोड़ा सा सीधा जाएंगे फिर आएंगे लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर को नीचे कर लेंगे अपने प्लेन के चक्के आ गए बाहर फुल तैयार लैंड करने को गाइस। अरे काय का ओवर स्पीड रुक जा फ्लैप नीचे करते। ओ शिट गाइस आई थिंक अपन रनवे को मिस करने वाले। ओ शिट मैंने हक दिया गाइस मैं बहुत गंदा लैंडिंग कर रहा हूँ गाइस ये लैंडिंग बहुत गंदी होने वाली है। अबे शिट ये क्या लैंडिंग है। आ लेडीज एंड जेंटलमैन कुर्सी की पेटी बांधो खतरनाक लैंडिंग करने वाले एकदम लैंडिंग करते करते आग लग जाएगा मतलब लगेगा तो नहीं पर बहुत खतरनाक लैंडिंग गाइस ऐसा लैंडिंग तुमने अपने लाइफ में नहीं देखा रहेगा। और खिड़की के बाहर मत देखो अच्छा दिमाग दोगे। ऑलराइट पायलट आउट।
गाइस लैंडिंग लैंडिंग गाइस क्या लैंडिंग करेगा। अरे अरे एक सेकंड शिट फिर सेकंड अपन एक्चुअली लैंड करने वाले। ओ शिट ओ ओ शिट गाइस मैंने लेजिट उम्मीद नहीं किया था कि हम लोग ये लैंडिंग कर पाएंगे पर हमने प्लेन को लैंड कर लिया। ओ ये गाइस हमने प्लेन को आगरा से उड़ाया और दिल्ली में आके लैंड भी कर दिया। आई मीन लैंडिंग बहुत खतरनाक था पर हमने लैंड कर दिया प्लेन को। नाइस भाई बहुत खतरनाक था। सो ऑलराइट गाइस आज के प्लेन सिमुलेटर वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस गेम को और खेलूं तो मुझे कमेंट करके बताओ और मुझे ये भी बताओ कि हम लोग प्लेन को कहां से कहां तक उड़ाए। सो एनीवे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और तुमसे मिलता हूं अगले वीडियो के लिए। बाय-बाय।